छोड़ा था और मेरे हार्ट अटैक आ गया था, और उस समय भी ये सारा चुनाव अभियान आप लोगों ने ही संभाला था, और उस समय भी 57-58 हज़ार वोट आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद से रहे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम 10 साल लगातार बीजेपी में मैं कार्यकर्ता रहा और 5 साल लगातार हल्के की जो सेवा मैं कर सकता था मैंने प्रयास किया, उसके में काफ़ी काम किए हैं। ऐसा कोई गांव और ढाणी नहीं रही जिसमें हम नहीं गए। आप देख सकते हैं मैंने पूरी पैरवी, मैडम मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए, मैडम किरण चौधरी भी थी, मैंने भी कहा मुख्यमंत्री जी आपको पुराने कार्यकर्ता नए की पहचान करनी चाहिए, और मैडम और हम मुकाबले में थे, कसर रही, लेकिन हमने फिर भी हारने के बाद कोई एमएलए घूमता नहीं, फिर भी मैंने हल्के में आप लोगों ने दिए सैकड़ों करोड़ रुपए के काम कराए। दायित्व तो मैडम किरण चौधरी का था, और लगातार जैसे प्रधान जी ने भी कही वो 20 साल से वही विधायक है, आज भी वही हैं, लेकिन जो एक ही काम है वोट बांट लिए, 2-1 महीने में टूरिस्ट की तरह आयर पार बोल ले, और मुख्यमंत्री ने भी माना भी बात ठीक है, आप समझ ले ऐसा कोई काम नहीं। मेरा प्रयास विकास का रहा, आप अपने गांव से ले ले, ड्यूटी तो मैडम किरण चौधरी एमएलए है, लेकिन हमने जो काम कहे उसको मैंने बखूबी पूरा करने का काम किया, सरपंच साहब गवाह हैं। चाहे आपने कहा डब्बर वाला रोड भाई दांग तक मिलाना था, चाहे दूसरा रोड प्रेमनगर तक मिलाना है, राजपुरा खरकड़ी तक मिलाना है, फिरनी मिलानी है कई करोड़, स्कूल बीच वाला रोड था स्कूल के भी कितने कई करोड़ रुपए, 3.5 एक जितने ओड़ा एमएलए नहीं कर पाया वो आपका सेवक शशि परमार ने किया है। तो इसलिए मैं एक ही बात है, तो मैंने जो सीवर की बात थी मुख्यमंत्री जी को भी लेके आए, यहाँ मनोहर लाल खट्टर ने भी रोहर ने भी, हर भाई वो उसी का रिजल्ट हम निकाल काम कडवा पाए, 58 करोड़ रुपए सीवर के भी किए, बताओ हरिया उड़ा में लेके काम कर दे। तो यूं समझ लो शशि परमार जी, और जो आपने कही आपकी जनरल चौपाल थी और चौपाल सारे पैसे दिए, तो एक समझ लो भाई जो एक हरिया उड़ा एमएलए भी इतने करवा दे है, आपकी कृपा आशीर्वाद रहा। जो रणजीत चौटाला आजाद तो बनिया था, लेकिन जनता ने कहा भाई मन्नत एक ही बात है, मैं किम्मे को नहीं कहूँ, तुसाम हल्के में विकास के लिए, तुसाम में विकास करना है। और भाई बंसीलाल जी के खाड़े नाले पुराने हो गए 40 साल, उसमें एक जोटा मारना है, सिस्टम बनाना है, तो वो कद बनेगा, राज में हिस्सा होगा, तो आप कहेंगे कि भाई यो अपने काम ठीक कर सके सरकार। अपा तो इंडिपेंडेंट पंचायती उम्मीदवार हो गए, उससे में चल लाँगे 15 MLA हर भर हरियाणा में आजाद बने हैं, और उसमें जिसमें आप कहोगे अपनी छूट है कि भाई इसमें चल लो, जो आप लोग कहेंगे तुसाम की जनता कहेगी तुसाम का राज में हिस्सा करने के लिए। जगन्नाथ जो कह करता भाई मन्ने नहीं मेरा कौन सी सरकार बनेगी बीजेपी कांग्रेस, लेकिन जो बनेगी वह अपनी सरकार बनेगी, अपना उसमें हिस्सा हो जाएगा। इसलिए क्यों इनके चक्कर काटन लाग रहे हो, इनका अहंकार ही नहीं जान लग रहा, इतना अहंकार। मैडम तो खुद कहे भाई मैं 4 बन बदली तो मैं तो रिटायर होना चाहूँ, तो इसलिए अपना हिस्सा करने की बात है, और इनका थोड़ा अहंकार भी ठीक हो जाएगा। क्यों नींबू तो उसी दिन महंगे हो गए, मैडम ने सोची थी भाई पीछे मिलजुल के गड़बड़ कर ली थी दुष्यंत से मिल के पिछले चुनाव में, और देखा भाई तो फिर रहा होगा इब कल टिकट आड़म है कह के शामिल हो कह, और जब आप लोगों ने मुझे पंचायती उम्मीदवार खड़ा कराया सबके नींबू महंगे हो गए, मैडम ने सोची असली बीजेपी आला सौदा तो भाई शशि पे चला गया, ये लोग जो पैरासूट से आए थे हाईजेक कर ली बीजेपी, उन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत की दात मैं दूंगा, मैं नतमस्तक हूँ आपका ऋणी हूँ, आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई कैरू में महापंचायत की और फार्म भरवाया, उसके बाद हाल गया दिल्ली से फोन आए शशि भाई एक बार दिल्ली आ जरूरी बात करनी है,
और भाई 5-4 दिन तो लगे, सरपंच साहब उठे, मनोहर लाल खट्टर भी, सैनी भी, विप्लव धर्मेंद्र, सारी टिकट बांटनी है भाई, किसे डालियो फार्म उठा ले, तने केंद्र में बना दिया, हरियाणा में बना दिया, बीजेपी का भट्ठा बैठ गया। तो मैं ले जी यो फार्म भराया, और शशि परमार का कोई अधिकार नहीं है, तुसाम के इलाके ने पंचायत करके फार्म भरवाया है, मेरी गर्दन कट सकती है, मैं स्वार्थी लालची आदमी नहीं हूँ, मेरे लिए आपके 100 करोड़ दो तो केंद्र में तो उधर दे दो और दो, वो मेरे लिए संभव नहीं है, किमें कर लो। तो मामला नूल है भाई शशि गढ़, मनोहर लाल खट्टर खुद कि भाई शशि मैडम ने कही मैं 12 सीट जीतवा दूंगी, और इसलिए भाई राज्यसभा भी मोदी जी का नियम था जो कि एक घर में एक के पद देना है, एक के घर में दोनों पद नहीं, दादा राम विलास को टिकटे काटने थे तो राज्यसभा में राम विलास जी को भेज दें दे, बुजुर्ग आदमी का सम्मान हो जाता, लेकिन अहंकार कि भाई एक के घर में, बंसीलाल जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए भाई एक के घर में राज्यसभा भी दे दी, रिया दीदी नूले भी उठा ले, मैं लाजी उठाना मेरा अधिकार में नहीं है, तो शाम की जनता ने पंचायत करके किया, मैं कह कहा गया। उसके बाद आपने देखा 36 बरादरी का फैसला था, मैं आ गया तो कहा मैडम ने तो भाई पोजीशन खिसक गई, हाल क्या सोचता, क्यों मैडम पद की मिथाए तो कोनी, या अपना बीजेपी आड़ा में सोचते थी भाई शशि ने ठिकाना लगा के, और भाई जो बीजेपी की फसल आपने हमने मिलके तैयार की, 14,000 वोट 2014 में जब बीजेपी की सरकार थी उससे 57,000 में पहुंचे, तो उन्हीं को काटना चाह रही थी पक्की पकाई फसल ने, लेकिन हेरा फेरी। लेकिन उसके बाद कहा भाई गजेंद्र राजपूतों ने भेजो भाई कुकरे मानने, गजेंद्र शेखावत जी आए, सारे गांव ढाणी ढाणी में गए केंद्रीय मंत्री, और भाई जब भी आप लोगों ने कहा कि भी टस्से मस नहीं हुए, तो उन्होंने भाई फिर तो भाई शशि ने बुलाओ किसी डाल, हेरा फेरी नहीं चली, तो मैडम भी और इनने मीटिंग करी, और भाई शशि मेरे पैसे खाओ जी आए, शशि भाई यो पार्टी का भट्ठा बैठन लाग रहा है, तने जो चाहिए वो ले ले, अमित शाह जी से बात कर ले, आन लग रहे हैं, लेकिन भाई किसे डाल फार्म उठा ले। मैं ला शेखावत साहब आप हमारे नेता हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो आपने काम करना चाहिए था टिकट में, भ्याणी जिले में एक फैसला है क्या कि भाई ये सीटें एक एससी में 3-4 जाट समाज को, एक ब्राह्मण को और एक राजपूत को, ये कम्बिनेशन है पार्टियों का भ्याणी दादरी जिले में। मैं ला जी इसमें हमने एक एक दुआ दिन दे तो हमारा सिस्टम बन जाता, वो सारी बातें, लेकिन नुबला भाई शशि ये मेरा हाथ में कुछ नहीं बताया है, मेरे पे भी प्रेशर है, फार्म उठा ले पार्टी जम जाएगी। हाँ लेकिन हाँ लेकिन आपने नहीं बन दिया, तो नुबला भाई मैं तो यह कहूँ हूँ, मैं ला जी मेरे बस की नहीं है, तो शाम की जनता ने फार्म भरवाया है और इलाका ही फैसला करेगा। 4 बजे तक बैठे रहे, जब मैंने कहा जी मेरे से गर्दन काट लो, ये हल्के का फैसला है ये, तो जब 4 बजे डीसी प्रशासन ने जो हमें ये गैस का सिलेंडर का, जब प्रशासन की सारी ना होगी, जब हमें निशाना आप लोगों के आशीर्वाद से देने का काम किया है, तो मेरा तो इतनी बात है कि शुरू तो हर गांव में जाऊं एक के रोड़ा, किससे गांव में भाई देखिए शशि नु कहते ना बिठाएंगे बिठाएंगे, 8 दिन तक यो चल ली, लेकिन मैंने स्टैंड लिया भी मेरे लिए सैकड़ों करोड़ पद मायने नहीं रखता, तो शाम हल्के की शान आन बान मायने रखती है, इसलिए मैं झुका नहीं। अब वो सारी बातें खत्म हो गए, और भाई वह चिट्ठी भी असली चिट्ठी में मानता हूँ, इब मैं गाँव में जाऊँ हूँ तो भाई मैंने महसूस किया बीजेपी वाली सीट में तो लोग नाराज बैठे थे, लेकिन अब मैं पंचायती उम्मीदवार आज ने मनाया हूँ, हर गांव में पहले से कई गुना ज्यादा 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, इतना उत्साह अपा पीछे लड़े इतना मन ने कदे भी नहीं देखा। और लाला प्रधान जी ने जो बात बताई, ओम प्रकाश साले वाला जी आ रहे हैं सारी बेल्ट में, मतलब यह नहीं है मूरन है, इब काल परली बेल्ट में भी पूरा जोटा लाग रहा है, और यो पंचायती उम्मीदवार के नाते इब काल ज्यादा समर्थन है, इसलिए इसलिए इतना ही है मेरा तो कि भाई ये सारे मामले
परस्त हो चुके। और इसमें आपने एक ही बात देखनी है कि भाई हम तीन कैंडिडेट हैं, श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी और शशि परमार। इनमें 5 साल देख लो, श्रुति चौधरी आपके बीच में 5 साल में बापोड़े में कितनी बार आई है, क्या कुछ किया है, क्योंकि एमपी रैली, हाँ एमपी रही वो, मेरे से किसी ने बताया वहां पड़ी बात बताई, नुबला जी ये धर्मवीर जी से हारने के बाद, धर्मवीर तो हारे 10 साल हो गए, इसके बाद या उरे बयानी तो सामत बढ़िए नहीं, वह मैडम लठरा घेरी इसकी, वह नहीं बढ़ती, इब भी कोई बताई 3 दिन हो गए वह तो जा ली, अरे माए लठरा घेरी है उसका, ना खड़ी रहे खड़ी रहे, और कोई नहीं, वह कुछ नहीं कर रही, तो घर में कटिया मचा रखा इसने, वो बता दो इब तो चुनाव आ गया सारे आओगे। बाप पोड़े में आपने देखा कितनी बार आया है जी चुनाव से पहले, वो कोई कोई वर्कर को नहीं उसका नहीं नहीं, वो तो आपने देख लिया, आपने तो नॉमिनेशन में हजारों आदमी पूजा करके नॉमिनेशन बाबा मुंगी पाके करया, और उसमें शिखर गर्मी में भी नॉमिनेशन में देखा होगा कि वो आदमी तुषा मलके का हर गांव से आखिरी गांव है देवावास, सुल्तान सरपंच संतलाल सारी टीम, परला गांव है ईश्वरवाड़ चौधरी उमेश सिंह काद्यान सरपंच, इंदर सिंह पंडित फूलचंद, बताई हुई थी 2 साल पहले, आपसे ये सुनना चाहते हैं जितने जाटों के वो गांव हैं वहां पर क्या प्रोसेस, सुनो मैं 2 मिनट में सारी बताऊं, तो इसलिए जहां तक बात है तो भाई हम तीन उम्मीदवारों का एसीआर आपके सामने है, इसलिए रणवीर महेंद्राली यो कह अभी मैं दादे के नाम पे पोता वोट मांगू हूँ, आप सब ने मेरा जोटा मारा था 2000 में 5 जीते थे, महेंद्रा के मुकाबले तो जीते थे, आपकी बात का उत्तर मैं दूं, नगेला रही इनके जो जाट भाई है, परिवार खड़ा रह गए, अपने जो चौधरी सरपंच साहब जो है, 1 मिनट साहब ये जो साहब चौधरी साहब है ये अपने ये तन मन धन से साथ लगे हुए हैं, और इन्होंने जब तो सामने हमने फार्म भरा उस टाइम पे ये अपील की थी, मैं अपने जाट भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि शशि रंजन परमार के साथ तन मन धन से साथ लग जाओ तो चौधरी साहब बहुत जल्द लगा रहे हैं, आप लोग इस बात की चिंता मत करो, ये लो ये ओम प्रकाश काली रावण है जी आपके क्वेश्चन बने कर जी के लिए बोट बोट को रात दिन रहता ही वह साथी हो, पिछले 5 साल से टीम बना रखी है, मीरान से है तो 36 बिरादरी के उम्मीदवार है, 36 बिरादरी साथ है, एक बार बुला दे, 36 बिरादरी है जाट भाइयों ने बहुत बोल दे, एक बार बता दे, ठीक है जी ऐसा कोई नहीं, 36 बिरादरी धन्यवाद, एक मिनट दे दो इसे, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं सतपाल सियाज मिरान से हूँ जी, बहुत बढ़िया, हमारी बेल्ट के अंदर विधायक इतने मजबूत है आप सोच भी नहीं सकते, मैं ये बात कहता हूँ सबसे ज्यादा मेहनत कर रखी है तो जाटों ने कर रखी है, आप इस बात से बेफिक्र रहे हो, साहब ने कहे जिंदाबाद, वो भी चाहते हैं इनकी बारिश परिवार तो पंडा छूट गया, वो चाहते हैं हमें विधायक जन 5 साल बना ले, 5 साल बाद से हम निकल विधायक जन कह देंगे बहने तो ले दादरी तो ले इन तक पंडा छुटा ओपन है, जाट भाई भी ये चाहते हैं, देव विधायक जी पकौड़ा गांव की शहीद वो मेंबर सारे ने नमन करो याद न्यू ना सोचो भाई जाट सेती को नहीं आमी तन मन धन पे खूब सेती हम सारे गए
यो बंसी लाली सा रोट पो गया बस ही हो लिया दोनों लड़ाई नेस पतरी से ये रोट ने तोड़े इतना अपना दुल्ला कर लिया है विधायक साहब ने ताती बवांगे नया विकास करांगे सिलेंडर ने ठोक दियो ये इस बासन ये रोट ने लाड़ तोड़े ने इतना अपने उगट तोड़ लियो धन्यवाद मेरा साहब सोनिया कट्टर साहब काफी जाट चेहरे हमारे साथ है तकरीबन आधे मात वोट ले हमारे जाट भैया के वो भी चाहते हैं ये सोता है कार्य होते पे नंबर पड़े हमारे नए रहेगा सुपर से आग का यही मनना चाहते हैं कुछ वो सोता है टीत मनेंगे देखो देख हम साथ के हैं देखो मैं एक बताऊं बात आप भी सोचते हैं भाई मैं एक तो ये माफी मांगू हूं कि भाई कई बार मेरे से कोई गलती होगी है उसको क्षमा करें और कई बार जो मैंने फसल बो रखी है ना मैंने 5 साल में उठे जोटा पूरा मारा है कि मैंने उठे रोटी बाजरे की तो आप रिजल्ट देखोगे हैरान रह जाओगे शशि परमार तो कोई आर्य समाज जी है जात पात के ऊपर है तो इसलिए निरोल नहीं पिछली बार की नाड़ नहीं आपने जितनी उम्मीद है उससे फालतू उस बेल्ट में जोटा ला गया कोई रोड़ा नहीं है।